Run. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Pralthi and for today's video, I'm going to the worst reviewed makeup artist in my city. Oh no! So, अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि ये हो क्या रहा है. सो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं अपने सिटी में और अपना मेकओवर कराते हैं और काफी फनी वीडियो बन के आती है क्योंकि उन मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप बिल्कुल नहीं आती है. सो मैंने भी ट्राई किया है और मुझे बड़ा मजा आया. मुझे लगता था कि ये फेक है बट रियली वो बहुत वाहियात चीजें करते हैं. तो मैं जब वहां पे गई तो मुझे लगा था कि वो थोड़ा अच्छा खासा होगा बट वो उतना भी अच्छा नहीं था. तो मैंने उनसे पहले पूछा कि आप कितना चार्ज करोगे. सो उन्होंने कहा कि सिंपल मेकअप का वी चार्ज 500. तो मैंने उन्हें दिखाया ये पिक्चर कि मुझे ऐसा कुछ मेकअप चाहिए पार्टी मेकअप. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है हो जाएगा आराम से हो जाएगा. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप कितना चार्ज करोगे. सो शी आस्क्ड फॉर 700. मैंने कहा हाँ ठीक है चलो ठीक है अगर वो कर देते तो अच्छी बात है. 700 कुछ ज्यादा नहीं है उस मेकअप के लिए बट मुझे कहीं कहीं डर लग रहा था कि यार जब सबके साथ इतना खराब हुआ है तो मेरे भी 700 जाने वाले हैं. बट मैंने कहा चलो वीडियो बनाना है ट्राई करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. अब क्या हुआ वहां पे तो सबसे पहले उन्होंने क्लींजिंग से स्टार्ट किया. मेरे फेस पूरा क्लीन किया. पता नहीं क्या यूज किया उन्होंने मुझे नहीं पता. नेक्स्ट उन्होंने कंसीलर यूज किया. लगा रहे रगड़ रहे थे मेरे चेहरे पे. लग रहा था कि मेरी जो स्किन है निकल के बाहर आ जाएगी. मुझे लग रहा था ना कि उनको फोटो में दिख ही नहीं रहा है कि कौन से कलर का आई शेडो लगाया है उस फोटो में और क्या है. वो पता नहीं क्या अपने मन से जो कलर उन्हें मिल रहा था. मेरे यहाँ पे ना आईलेट पे पेंटिंग कर रही थी लिटरली वो कि हाँ भाई कुछ भी लगा दो ऐसे इसे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है. तो फिर उन्होंने आई मेकअप कर लिया. उन्होंने पूछा कि ठीक है. मैंने कहा अब मैं क्या कह सकती हूँ कि नहीं नहीं बड़ा खराब लग रहा है. तो मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक ठाक है. आंसू आ गया. फॉल्स आईलैशेस. मैंने उनसे पूछा कि आपके पास फॉल्स आईलैशेस नहीं है क्या. तो उनके पास था एक्चुअली बट वो लगाना नहीं चाहती थी पता नहीं क्यों. तो वो गई लेके आई नॉर्मल सा कोई फॉल्स आईलैशेस था. बट जब उन्होंने आईलैशेस लगाए लिटरली उन्होंने वो लिया ठीक है पहले तो उसमें ग्लू भी नहीं लगाया उन्होंने और डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर दिया.
मैंने कहा कि आप ग्लू लगाओगे तो शायद वो अच्छे से होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो उसमें ग्लू पहले से था तो वो वैसे ही हो जाएगा। मैंने कहा यार ये क्या है, क्या मुसीबत है। उसके बाद फिर उन्होंने ग्लू लगाया, पता नहीं क्या सोच के, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने लगाया तो वो फिर बाहर निकल आ रहा था, तो उन्होंने ग्लू लगाया और थोड़ा सा भी उसे सूखने नहीं दिया, लाइक लिटरली ग्लू लगा के उस पे एंड तुरंत ऐसे पेस्ट कर दिया। मैं सच्ची बता रही हूँ, वो मेकअप आर्टिस्ट होके उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि कॉन्टोरिंग क्या होता है। मैंने उनसे कहा कि आप कॉन्टोरिंग कर दो, कॉन्टोरिंग कर दीजिए। फिर उन्हें पता है क्या किया, उन्होंने कंसीलर लिया एंड वो ऐसे कर रही थी पता नहीं क्या। तो गाइज मैं अभी जस्ट वहां से आई हूँ घर पे और मैंने सच्ची अपने चेहरे के साथ उसके बाद कुछ नहीं किया। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ये मतलब ये आई लैशेज उखड़ गए लिटरली, ये देख रहे हो आप, इधर से ये उखड़ गया और इधर से आई मीन ये क्या आओ जी, मुझे बहुत इचिंग हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। कितना तो गाइज यही था मेरा वीडियो एंड मेरे फेस की धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने, मेरा 700 वेस्ट हो गया। मैं उन्हें भी कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि यू नो वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट भी कुछ ऐसे ही एक्सपेक्टेड था, सो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करनी नहीं चाहिए हमें लाइक। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक मेरा मेकअप पसंद आया हो आपको, इतना खूबसूरत मेकअप तो आपको पक्का पसंद आया हो आई एम श्योर, तो ये आपको मेकअप पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और 100K का लड्डू खाओ के ना आप भी, तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। ओके बाय गाइस।